परिवार के लिए, जिन लोगों की सैलरी अभी तक रुकी हुई है उन लोगों के लिए ये एडवाइस बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। अगर आप ये एडवाइस को मानेंगे तो आपकी सैलरी मिलने के 90% चांस हैं कि आपको सैलरी जल्दी मिल जाएगी। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी BSNL बहुत ज़्यादा घाटे में तो चल ही रहा है, और उसके बावजूद भी सैलरी को वो जो उसके हायर पोस्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी दे रहा है, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर की तरफ नहीं दे रहा, ना ही तो गवर्नमेंट ने एक भी बार जिक्र किया है कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर के बारे में, और ना ही जिक्र किया है BSNL के CMD ने। तो दोस्तों क्या है इनके मन में, क्या चल रहा है, कब तक सैलरी देंगे, और सैलरी आप जानते हैं कि एक कोई इनकम ऑफ सोर्स तो होता नहीं ज़्यादातर लोगों का। अब आप अगर BSNL में काम करते हैं तो आपका इनकम ऑफ सोर्स BSNL से ही होगा कि वहीं से आप खाने का खर्चा निकलेगा। अब इन लोगों को ये नहीं पता कि कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर जब काम हमारे लिए कर रही है, यानी BSNL के लिए अगर काम कर रही है, तो BSNL पैसा नहीं देगा तो वो खाएंगे क्या, ऐसा ये लोग नहीं सोचते, ना ही लोगों ने एक भी बार ऐसा सोचा है। तो क्योंकि सोचा होता तो कम से कम सैलरी कुछ महीने की तो देते, अभी तक लोगों की 8-8, 9-9 महीने तक की सैलरी रुकी हुई है। तो दोस्तों मैं तो आपको एक एडवाइस छोटी सी दूंगा, अगर आप ये मानेंगे तो आपको 90% चांस है कि आपको सैलरी जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। तो दोस्तों करना क्या है आपको, जैसे आप इस पे वीडियोस पे आते रहते हैं, जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है वो वीडियोस पर मेरे पे इस पे आइए, आने के बाद में कमेंट सेक्शन में आपस में आप चैट भी कर सकते हैं एक दूसरे से चैट करने के बाद एक डिसाइड करिए कि आप लोग में से कोई एक बंदा एक लेटर लिखे और उस लेटर को PM मोदी के लिए या CMD के लिए सेंड कर दें। मैं तो कहूँगा दोनों के लिए आप सेंड कर दीजिए, और आप मेल कर दीजिए, सेंड कर दीजिए बाय पोस्ट भी कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं बाय मेल कर देंगे। मेल के द्वारा अगर आप उन तक पहुँचा देंगे, अगर वो एक बार उसको खोल के रीड कर लेते हैं तो उनको थोड़ा बहुत कुछ तो पता चलेगा कि हाँ कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, और जिस कंपनी के एम्प्लॉयज़ ही परेशान हों तो उस कंपनी का उद्धार होना तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों अगर आप वेट करते रहेंगे कि नहीं BSNL कभी तो सोचेगा देगा कभी तो देगा, दोस्तों क्या है ना कि अभी तक उनका काम चल रहा है, आप लोगों ने एक भी बार कुछ ऐसा नहीं किया कि नहीं धरना दिया कि हमको सैलरी क्यों नहीं दी जा रही, उनके सामने कुछ ऐसा आया नहीं कि आप लोग मतलब विचलित हैं इस बात को लेकर के कि आपको सैलरी क्यों नहीं मिल रही है। तो इसलिए वो लोग थोड़ा ठंडे पड़े हुए हैं। तो आप लोग अगर एक बार उनको सचेत कर देंगे, उनको एक बार इन्फॉर्म कर देंगे, तो शायद वो आपकी सैलरी देने में कुछ जल्दबाजी भी करें और जल्दी से देने की कोशिश करें। तो दोस्तों जैसे जितना भी फंड आता है, जैसे अभी गवर्नमेंट से फ़ंड मिला था, तो BSNL ने क्या किया कि उसके जितने भी हायर पोस्ट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए सैलरी दे दी। उनकी सैलरी पे करने के बाद में जो पैसा बचा था उस पैसे के लिए उन लोगों ने अपना जो कर्ज अदायगी में लगा दिया, और उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे बाकी एम्प्लॉयज़ भी बचे हुए हैं जिनकी सैलरी 8-8, 9-9 महीने तक की रुकी हुई है, वो लोग क्या कर रहे होंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा BSNL ने। अगर ऐसा कुछ भी एक भी बार भी अगर सोचता तो कम से कम न्यूज़ में एक बार तो ऐसा आता कि BSNL को चिंतित है कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर की सैलरी के लेकर के, लेकिन एक भी बार उन लोगों के दिमाग में ऐसा नहीं आया। तो दोस्तों क्या होगा अगर आप ये लेटर उन तक पहुंचा देंगे एक भी बार, तो आप लोगों के लिए ये जल्दी थोड़ा हो जाएगा, वो भी देख लेंगे कि अच्छा कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर जो परेशान हैं खाने के लिए, और उसके लिए ये जल्दबाजी थोड़ा कर देंगे, उसमें आप लोगों की सैलरी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे जल्दी से जल्दी। और अगर आप यही इसी भरोसे बैठे रहे कि BSNL कभी सुधरेगा तब देगा, तो भाई साहब बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगने वाला है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है अभी तक ना तो BSNL को 4G मिला है और ना ही 5G मिला है, और 3G के दम पे चल नहीं सकता, तो 5G और 4G के लिए अभी वेट करना पड़ेगा। 4G के लिए अभी बोला था उन लोगों ने कि जल्दी मिल जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई कि BSNL को 4G कम मिल रहा है। और 5G की बात करें तो 5G को सितंबर में लॉन्च करने की बात की जा रही है, अगर आप सितंबर तक वेट कर सकते हैं तो करिए, आपकी मर्जी है, कर सकते हैं आप अगर आप करना चाहते हैं तो। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि इतना पैसा किसी के पास होता नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर खासकर इतनी कमाई नहीं होती, तो आप लोग अगर ये लेटर उन लोगों तक भेज सकते हैं तो आपको चांसेस जल्दी से जल्दी मिलने के हो जाएंगे।
और अगर बात करें कि सितंबर तक स्थिति पक्का सुधर जाएगी, नहीं ये पक्का नहीं कहा जा सकता कि सितंबर तक स्थिति इसकी सुधर जाएगी। इसका मैनेजमेंट सिस्टम का कुछ कहा नहीं जा सकता कि सितंबर तक पक्का हो जाएगा, क्योंकि सितंबर तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि सितंबर में 5G लॉन्च करने की बात की गई है और 4G को अभी देने की बात की जा रही है, तो शायद सितंबर तक सुधर जाए, लेकिन पक्का नहीं है कि सितंबर तक इसकी स्थिति सुधर जाएगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितना भी मतलब BSNL उसको लेकर के कॉन्ट्रेक्चुअल लेवर की सैलरी को लेकर के चिंतित नहीं है, तो उसको कम से कम आप एक बार इन्फॉर्म कर देंगे तो शायद उसको कुछ लगे कि हाँ वो कॉन्ट्रेक्चुअल लेवर की सैलरी भी देनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये जो लेटर है उसको और ये मेल है मैं करूँ ये काम आप लोगों के लिए, तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को इस वीडियोस को जो वीडियो मैं बनाई है इसके लिए आपको 1,000 लाइक तक पहुँचाइए, तो ये काम मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा कि मेल कर दूंगा PM मोदी की जो ऑफिशियल मेल है उस पर जा करके, और जो CMD की है BSNL की उस पर भी मैं मेल कर दूंगा। और अगर आप में से कोई एक बंदा तैयार है तो आप लोग एक काम करिए, लेटर लिखिए, लेटर लिखने के बाद में और उस पर अच्छे से लेटर को लिखना, उसके बाद में उस पर कुछ एम्प्लॉयज़ के सिग्नेचर बाकायदा नीचे करवा करके और उसको बाई पोस्ट सेंड कर देना दोनों के पास में, तो उन तक पहुंच जाएगा वो। अगर एक बार भी आपका लेटर को रीड कर लेते हैं तो उनको थोड़ा सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर जो है थोड़ी दिक्कत उनको लगेगा, क्योंकि अभी तक उन लोगों को लग रहा है कि काम चल रहा है, चलो चलने दो ठीक है। अरे जो क्योंकि जो हायर पोस्ट के एम्प्लॉयज थे उन्होंने थोड़ा बहुत अपना वो किया था प्रदर्शन की नहीं हम नहीं करेंगे, धरना दिया था और ये काम नहीं कर पाएंगे, तो उन लोगों ने कहा चलो इनके लिए दे देते हैं और उनकी सैलरी को टाइम पे देने लगी। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग इस वीडियोस को फॉलो करेंगे तो आपकी सैलरी मिलने के चांसेस 90% बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो जो मैंने आप लोगों को बताया, और इसमें थोड़ा सा भी अगर कंटेंट आपको लगा हो कि हाँ अच्छा है, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि मैं इस पे टेक्निकल रिलेटेड और खासकर BSNL से रिलेटेड सारी न्यूज़ सारी इन्फॉर्मेशन इस पे मैं डालता रहता हूँ, डे बाई डे अपडेट करने की कोशिश करता रहता हूँ, और जैसे ही कोई न्यूज़ आती है मैं इसके वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।